डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं अनीता बासी। नाजरीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप का अख्ताम हो गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था और इसकी जो फातह टीम करार पाई वो इंग्लैंड करार पाई और इसके साथ ही फुटबॉल का वर्ल्ड कप का आगाज़ भी होगा जो कि 20 नवंबर से कतर में स्टार्ट होगा और इसके साथ ही इतने बड़े मेगा इवेंट की जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज को दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाक फौज का ही क्यों इंतखाब किया गया और आज इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि पाक फौज का कतर ने क्यों इंतखाब किया। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का मेला रवां साल 21 नवंबर से कतर में मुनक्किद हो रहा है और इस इवेंट के लिए लाखों फुटबॉल शायकीन की कतर में आमद मुतवक्का है। कतर ने इस सालमी इवेंट के लिए पाक फौज से सिक्योरिटी फ्राहम करने की दरख्वास्त की है जो कि अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी के बाद पाक फौज ने भी माहदे की मंजूरी दे दी है। यहाँ ये बात भी एक अहम है कि इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के अलावा कतर ने दिगर ममालिक से भी सिक्योरिटी लेने का इरादा किया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कतर ने बिलाखिर पाकिस्तान ही से वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी के लिए क्यों दरख्वास्त की है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान फौज की फ्राहमी को माहरीन एक तरफ से गैर मामूली फैसले के तौर पर देख रहे हैं और दूसरी जानिब खित्ते के हालात के तनाजर में इसे फौजी अहमियत की निगाह से भी देखा जा रहा है। कतर दुनिया के दिगर ममालिक से भी बेहतरीन ताल्लुकात रखता है, यहाँ तक कि अमरीका और मगरबी मुल्कों के इतिहाद ने भी कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड के लिए सिक्योरिटी में मदद फ्राहम करने की तस्दीक की थी। जबकि जुलाई में तुर्की के वजीर खारजा ने वर्ल्ड कप के लिए तुर्की से 3000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार कतर भेजने का कहा था, लेकिन इन सब के बावजूद पाक फौज को इस अहम इवेंट के लिए कतर बुलाने का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाक फौज की पेशा वराना सलाहितों पर दुनिया के भरपूर एतमाद का आकाश है। माहरीन के मुताबिक इस फैसले में पाकिस्तान ही का इंतखाब करने की वजूहात में एक तरफ पाकिस्तान और कतर के दोस्ताना ताल्लुकात और सकाफती मेल जूल की बुनियाद पर हुआ है और दूसरी जानिब इतनी बड़ी तादाद में तरबियत याफ्ता अहलकारों की फ्राहमी किसी और मुल्क के लिए आसान भी नहीं और अगर कोई दूसरा मुल्क जिम्मेदारी उठा भी लेता है तो इसको कड़ी शराइत से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, माहरीन का कहना है कि तुर्की के साथ साथ कतर के साथ भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन कतर ने पाकिस्तान को ही अवलीन तरजीह क्यों दी। माना कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इतने बड़े इवेंट्स का तजुर्बा तो नहीं रखती, लेकिन जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मकामात हैं, हिफाजती मकामात हैं, उस पर पाक आर्मी का भरपूर किरदार रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन डिजिटल टीवी।